नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। देश के बड़े पर्व दीपावली को मनाने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है कि त्योहार को अपनों के बीच जाकर मनाएं। लेकिन हमारे बीच एक अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने वास्तव में यह साबित कर दिया है कि पर्व चाहे कोई भी हो, उसे मनाने का जो आनंद गरीबों के साथ आता है वह कहीं नहीं मिलता। कभी किसी की खातिर जब कुछ कर लेता हूँ, मेरे भीतर शायद कोई खुश हो जाता है। इन पंक्तियों को सार्थक रूप देते हुए कोतवाल अफजलगढ़ राजेश कुमार तिवारी ने नगर स्थित मोहल्ला बेगम सराय बस स्टैंड के पास झोपड़पट्टी के बच्चों को कोतवाली प्रांगण में बुलाकर उनके साथ दीपावली की खुशियां बांटी। इस अवसर पर सभी बच्चों को फल मिठाई बांटे गए। वहीं उनके बेटे अथर्व तिवारी व बेटी नन्या ने भी कोतवाली में रंगोली बनाई व दीप जलाकर प्रांगण को रोशन किया। शनिवार को दीपावली के अवसर पर कोतवाल राजेश कुमार तिवारी ने नगर स्थित मोहल्ला बेगम सराय बस स्टैंड के पास झोपड़पट्टी के 10 बच्चों को अपने आवास पर बुलाया। इस दौरान उन्होंने सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें मिठाई फल चप्पल बांटे, जिसे पाकर उन बच्चों के चेहरे खिल उठे और सभी ने कोतवाल राजेश कुमार तिवारी को शुक्रिया कहा। इस मौके पर कोतवाल राजेश कुमार ने कहा कि यूं तो सभी लोग त्योहार अपने परिवार के साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन मेरी सलाह है कि वह लोग जो पूर्ण रूप से संपन्न हैं, वह एक बार अपने आस पड़ोस में भी नजर दौड़ा लें। कहीं ऐसा ना हो उनके बीच कोई ऐसा भी हो जिसके पास पर्व मनाने के लिए दो जोड़े कपड़े भी न हो या फिर कोई पड़ोसी भूखा हो। असल में किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना ही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। आज इन बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां बांटकर मन को बहुत शांति मिली। इस अवसर पर कोतवाल राजेश कुमार तिवारी के अलावा कस्बा इंचार्ज किरण पाल सिंह, SSI रविंद्र कुमार नैन, संजीव तोमर आदि मौजूद रहे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। खेतों के रास्ते पर जख्मी पड़े गुलदार के शावक की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मच गया। इसी बीच दूसरे गुलदार ने घायल शावक को उठाकर गन्ने के खेतों में जा घुसा। खेतों में गुलदार देखे जाने से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गन्ने के खेतों में ग्रामीणों की मदद से गुलदार को तलाश किया। मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। दरअसल रविवार को दोपहर ग्रामीणों ने वन विभाग तथा पुलिस को सूचना देकर बताया कि ग्राम रसूलाबाद निवासी जगदीश सिंह बचन सिंह के खेत के निकट मार्ग पर गुलदार का शावक घायल अवस्था में पड़ा है, जिससे अन्य ग्रामीणों में हड़कंप मच गया तथा ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंचे हल्का दरोगा साहब सिंह ने जमा भीड़ को सुरक्षा की दृष्टि से तितर बितर किया। वहीं मौके पर वन विभाग की टीम वह किसी आला अधिकारी के पहुंचने से पूर्व ही गुलदार ग्रामीणों के सामने ही जख्मी शावक को झकझोरते हुए उठाकर खेतों में जा घुसा। मौके पर पहुंची वन विभाग पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल शावक को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया व कोतवाली प्रभारी राजेश तिवारी, दरोगा संजीव तोमर ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर जानकारी ली। वन विभाग के दरोगा सुनील राजोनर ने जानकारी देते हुए बताया कि संभवतः मादा गुलदार का मीटिंग समय है, जिसके बच्चों को दूर करने के लिए गुलदार ने बच्चों को घायल कर दिया होगा। मौके पर ज्ञान सिंह, योगेंद्र सिंह, मस्तराम, विपिन, सतपाल, अजमेर सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। कादराबाद से संगम चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बीती रात अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में कुंबल लगाकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। दरअसल जनपद बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र में मंडावर रोड स्थित रामकिशोर की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। बीती रात अज्ञात चोरों ने कुंबल लगाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित के अनुसार दुकान से चोर लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। चोरी का पता सुबह होने पर लगा। आपको बता दें, बिजनौर पुलिस दीपावली के त्योहार में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जनपद में मुस्तैदी से तैनात थी। इसी बीच चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में रखा लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? रामकिशोर नाम है। पिछले 4 साल से दुकान कर रखी है। 3 साल में लगातार हर साल चोरी हो रही है। 1.5-2 लाख। आज भी रात बंद करके गए 7 बजे। अब सुबह आया कि खोली दुकान 10-10:30 बजे तो कुंबल हुआ मिला। दुकान में से माल गायब मिला। 1.25 लाख का माल गायब है। रिपोर्ट पुलिस में आज तहरीर दे दी गई है। मुआयना करके चले गए पुलिस वाले। ये आपकी काय की दुकान?
ये बिजली की दुकान है ये। नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर व क्षेत्र की सड़कें अब वाकई खूनी हो चली हैं, जिसके तहत हर रोज सड़क हादसे होना आम हो चला है। इसी क्रम में रविवार की शाम शरीफ नगर से लौट रहे बाइक सवार तीन युवक रामगंगा पुल के पास खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसे, जिससे बाइक सवार सौरभ चंद्र 20 वर्ष पुत्र सुरेंद्र, मोनू भटनागर पुत्र महेश भटनागर व रिंकू पुत्र वीरेंद्र शर्मा निवासीगण स्योहरा गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में पहुंचे थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार गौड़ ने तीनों घायलों को डायल 112 की मदद से CSC भर्ती कराया, जहां से उनकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। स्योहारा से अमीन अहमद की रिपोर्ट।